हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये लड्डू गोपाल जी के वस्त्र, ये है 3 या 4 नंबर वाले लड्डू गोपाल जी के वस्त्र। ये है मेरा यूट्यूब चैनल अंशुमन के धागे, आप सभी का स्वागत है। ये वस्त्र हम बनाएंगे और इसे बनाने के लिए मैंने लिया है 9 नंबर का क्रोशिया। तो चलिए शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले मेरी बनाई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अब हमने जो फंदा था उसमें एक चेन बनाकर इसका हाइट बढ़ा ली है। अब हम इसे बुनना शुरू करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैंने जो घेर में से 49 डबल क्रोशे बने थे, तो 49 डबल क्रोशे को मैंने डिवाइड करा है 8 सिक्स 48, इस तरह से मैंने इसे डिवाइड करा है। तो यहाँ पर मैं 6-6 फंदों का ग्रुप बनाऊंगी। देखिए ये है 1 2 3 4 5 है, और इसके बाद मैं यहाँ पर 6 डबल क्रोशे बनाने हैं। तो ये 3 चेन बनाकर हम इसको यहीं पर अटैच कर देंगे। तो इस तरह से ये 6 डबल क्रोशे होंगे। अब ये 6 डबल क्रोशे होने के बाद ये छः इस तरह से हो गए। अब हम यहाँ पर 6 फंदे बिना बुने उतारेंगे, है ना। तो उसके लिए हम ये स्लिप स्टिच कर रहे हैं, यानी कि फंदा आगे लेकर बिना बुने उतार दिया, फंदा आगे लेके बिना बुना उतार दिया। अब यहाँ पर मैं इनको 6 फंदे छोड़ने, तो 6 फंदों के साथ मैं एक फंदा और लूँगी, 7 फंदे स्लिप स्टिच करूँगी और जो 7वां फंदा होगा फिर उसमें स्लिप स्टिच करने के बाद बुनना शुरू करूँगी। देखिए इस तरह से। अब फिर मैं यहाँ पर 6 डबल क्रोशे बुनूँगी। तो 6 डबल क्रोशे बुनने के लिए 5 डबल क्रोशे मैं बुनूँगी और 6ठा मैं 3 चेन करके उतारूँगी। यहीं पर थोड़ा सा आपको समझना है, ये आपकी समझ में आ गया। तो उसके बाद तो बस हमें जैसा जहाँ पर है फंदा वैसे बनाते चले जाना है। अब हमने ये 3 चेन बनाए तो ये हमारा 6ठा डबल क्रोशे हुआ और इसको स्लिप स्टिच करके नीचे ज्वाइन कर दिया। अब हम यहाँ पर फिर 6 स्लिप स्टिच करेंगे। देखिए 3 4 5 6 हो गए। एक और करा 7वां, क्योंकि मुझे 7वें फंदे पर लाना है धागे को। उसके बाद एक चेन बनाकर यहीं पर उसी जगह पर मैं एक डबल क्रोशे बनाऊंगी। तो चेन हमारी काउंट नहीं होगी, हमारा सिर्फ एक डबल क्रोशे काउंट होगा। तो यहाँ पे एक हो गया और मुझे बनाने हैं 6, तो मैं यहाँ पर 5 डबल क्रोशे बनाकर और 6ठे में 3 चेन बनाऊंगी। इस तरह से मुझे बनाना है। ये 3 चेन को मैंने स्लिप स्टिच कर दिया। अब फिर मुझे स्लिप स्टिच करनी है, मुझे करनी है 7 स्लिप स्टिच। 6 मैं छोड़ूंगी और जो 7वां स्लिप स्टिच होगा उसमें ही फिर मैं आगे बुनना शुरू। तो इस तरह से हम करेंगे। ये मैंने आपको बताया 6 8 जो है, तो 6 फंदे हम ले रहे हैं तो 8 हो जाएंगे। तो 8 हमने बुने, 8 हमने छोड़ दिए, सॉरी 6 हमने बुने, 6 हमने छोड़ दिए। तो इस तरह से ये 8 ग्रुप बन जाएंगे। ये देखिए 6 बुने, 6 छोड़ दिए, 6 बुने, 6 छोड़ दिए, 6 बुने, 6 छोड़े, और अब यहाँ पर 6 बुनेंगे और फिर 6 फंदे छोड़ देंगे। देखिए ये मैंने बुन लिए ये 6 फंदे। ये देखिए यहाँ पर मैं आपको ध्यान से दिखाती हूँ, ये हमारे 6 फंदे छूटेंगे। 1 2 3 4 5 6, ये 6 फंदे हमारे छूटेंगे। तो ये तो हमें छोड़ने हैं, तो इन्हें तो ऐसे ही छोड़ देंगे, इसलिए यहाँ पर मैं एक चेन बनाकर इसे टाइट करके और धागे को अलग कर दूँगी। और अब हम ये घेर बनाने के लिए अलग अलग रंगों का इस्तेमाल करेंगे, यानी हमारे पास जो ऊन है उनको कलर, सब कलर ले लेंगे और फिर उस कलर को एडजस्ट कर लेंगे
और फिर हम उनको इसका घेर बनाएंगे। देखिए किस तरह से बनाएंगे हम, मैं फिर आपको बताती हूँ। मैंने भी एक कलर ले लिया, आप कोई सा भी कलर ले लीजिए, रैंडम आप कोई भी कलर उठा लीजिए और उससे हम शुरू करेंगे बनाना। ये मैंने कलर ले लिया और अब मैं इसके आगे बुनना शुरू करूँगी। पहले एक स्लिप स्टिच करके मैंने एक फंदा बना लिया, अब मैं इसके आगे बुनूंगी। देख, अब यहाँ पर बुनने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हमें यहाँ पर स्लिप स्टिच ही करना था, इसलिए मैं यहीं से बुनना शुरू करूँगी। देखिए यहाँ पर मैंने पहली ही चेन में इसको डाला और इस तरह से बना लिया, सिंगल क्रोशिया कर लिया और ये अटैच कर लिया और धागे को दबा लिया। एक चेन बनाकर अब हम इसमें ही एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमें यहाँ फंदे बढ़ाने हैं ना, तो देखिए ये बढ़ा दिए हमने, ये दो हो गए फंदे और अब हम बाकी के डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि जो पहला फंदा होगा उसको हम बढ़ाएंगे क्योंकि हमें घेर बनाना है ना, तो हम लगातार फंदों को बढ़ाएंगे भी, तभी हमारा घेर ठीक बनेगा। तो फंदे बढ़ाने के लिए हम जो पहला फंदा ऊपर की साइड बुनेंगे ना, वहाँ पर हम फंदा बढ़ा देंगे और नीचे की साइड भी हम फंदा बढ़ाएंगे। जो ये ऊपर का ऊंचा नीचे आ रहा है ना, तो उसमें भी फंदे बढ़ाएंगे। अब देखिए ये लास्ट वाला जो फंदा है इसमें भी हम बुनेंगे, क्योंकि ये चेन से बनाया है तो थोड़ा फंदे टाइट हल्के होते हैं। अब हम इसे बुनेंगे। देखिए ये चेन हमने तीन बनाकर हम नीचे उतारेंगे तो ये थोड़ा सा टाइट होगा, है ना, लेकिन मैं फिर भी आपको करके दिखा रही हूँ कि आपको ऐसा नहीं करना है, इससे किस तरह का डिज़ाइन होगा ये मैं आपको करके दिखा रही हूँ। देखिए अब हम नीचे आ गए, अब नीचे के साइड हमने एक चेन बनाकर और यहाँ पर बुनना शुरू करा, यानी जितने यहाँ पर चेन हैं उनमें एक एक डबल क्रोशिया में हम एक एक डबल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे, है ना। यहाँ पर चूँकि हमने स्लिप स्टिच करे थे ना, तो थोड़े फंदे टाइट हो रहे हैं, पर उसको कोई बात नहीं, हम उसको स्किप करके और हम बुनते चले जाएंगे। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली हमारा एक फंदा बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, हम लास्ट तक ले लेंगे एक फंदे को। हमने देखिए इसमें जड़ में भी ले लिया, तो इस तरह से हमने फंदा बढ़ा लिया। अब इसे यहाँ पर सबसे ऊपर वाले डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच करेंगे। देखिए अब यहाँ पर देखिए ये कुछ अधूरा सा दिख रहा है, तो आपको ऐसा नहीं लेना है। कैसा लेना है ये मैं भी आपको बनाकर दिखाती हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले आप एक चेन बनाएंगे, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे और कितने, दो डबल क्रोशिया बनाएंगे क्योंकि हमें यहाँ पर फंदे बढ़ाने हैं। तो ये दो डबल क्रोशिया हमारे बन गए, चेन को हमने काउंट नहीं करा है। उसके बाद ये सारे डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। और लास्ट वाले में भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, जो हमारा चेन वाला हिस्सा था उसमें भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये डबल क्रोशिया बनने के बाद अब हम फिर थ्री चेन बनाएंगे। देखिए थ्री चेन बनाना है, पिछली बार हमने थ्री चेन बनाकर नीचे तक लिया था, लेकिन इस बार आपको जैसा करना है, ये देखिए ये इस तरह से आ रहे हैं ना, इस तरह से नहीं आना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ऐसा आपको नहीं करना, कैसा करना है ये मैं बता रही हूँ। यहाँ पर आपको पहले थ्री चेन बनानी है, ये थ्री चेन हो गई हमारी। अब हम इसे यहाँ नहीं, यहाँ करा था ना हमने पिछली बार, यहाँ नहीं करेंगे बल्कि हम इसे ऊपर की साइड यहीं पर यहाँ पर एंड करेंगे। देखिए इसको खोल देते हैं और हम ये थ्री चेन करके कंप्लीट, और हम यहाँ पर इस जगह पर हम इसको एंड करेंगे
और अब हम यहाँ जो पहला फंदा है हमारा नीचे की तरफ का, वहाँ पर डबल क्रोशे बुनेंगे। अब जितने फंदे हैं उतने हम डबल क्रोशे बुनेंगे। हमारे जितने फंदे हैं उतने हमें डबल क्रोशे बुनने हैं। देखिए जितने चेन हैं उतने हम डबल क्रोशे बुनेंगे। ये डबल क्रोशे हमारे नीचे वाले हिस्से के पूरे हो रहे हैं। हम गर्ड तक, मैंने कहा था ना आपको जहाँ पर हमने एंड करा वहाँ तक हम बुनेंगे तो हमारा अपने आप ही एक फंदा बढ़ जाएगा। और ये स्लिप स्टिच करके हमने जॉइंट करा। अब देखिए आप इन दोनों में फर्क, यहाँ पे देखिए ये कितनी सफाई से आया है यहाँ, और दूसरी जगह पर हमारा फंदा खुला हुआ है। तो आपको वैसा नहीं बुनना है, ऐसा बुनना है। अब हम आगे इसी तरह से बुनेंगे जैसे मैंने आपको अभी अभी बताया है, यानी डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे। पहले फंदे में हमने बढ़ाया था, यानी एक डबल क्रोशे बढ़ाया था, और आखिरी वाला जो होगा हमारा ऊपर के साइड का फंदा उसमें भी हम बुनेंगे। तो इस तरह से हमारे हर ऊपर की साइड में दो फंदे बढ़ जाएंगे और इस तरह से हम फिर इसको बुनते चले जाएंगे। हमको यहीं पर ही इसको एंड करना है और अब हम नीचे की साइड के फंदे बुनने शुरू करेंगे। मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा हमें किस तरह से फंदे बुनने हैं और किस तरह से इन्हें लेके चलना है। देखिए ये इस तरह से हो गया। अब हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे, डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे हम बनाएंगे। जो हमने स्लिप स्टिच करी थी उसकी वजह से यहाँ पे थोड़े से फंदे टाइट हो गए हैं, लेकिन ये ऐसा सिर्फ पहले वाले राउंड में ही रहेगा, उसके बाद हम स्लिप स्टिच नहीं करेंगे ना, तो ये इसलिए वो हैवी भी नहीं होगा। तो इस तरह से ये चलता जाएगा। इस तरह से ये बनने का हम इसे यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे तो ये हमारा एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब उसके बाद हम फिर और राउंड आगे करते रहेंगे, बनाते रहेंगे और इसको बढ़ाते रहेंगे। हमें जितना घेर बड़ा करना है, जितना भी आपको घेर बड़ा करना है आप उतना बड़ा कर लेंगे और इस तरह से बनाएंगे जितना भी आप करना चाहते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर कुछ रंग यूज़ करे हैं, मैंने 7 कलर्स का यूज़ करके ये इस तरह से बनाया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 कलर का यूज़ करके मैंने घेर बनाया है और इसमें देखिए ये कलियाँ बन गई हैं और कितनी प्यारी लग रही हैं ये कलियाँ। अब मैं इसका बॉर्डर बनाऊंगी। अब है बॉर्डर की बारी, तो बॉर्डर के लिए मैंने एक और कलर यूज़ कर लिया है। अब इससे जहाँ मैंने एंड करा था ना, हम वहीं से शुरू करेंगे और इस तरह से धागे को अटैच कर देंगे और एक चेन बनाकर इसे पक्का कर लेंगे और धागों को दबा लेंगे। अब उसी जगह पर हमने एक डबल क्रोशे करा, एक और डबल क्रोशे करेंगे। बहुत ही आसान है ये बॉर्डर बनाना और
सुंदर तो देखिए आप कितना प्यारा लग रहा है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। देखिए ये चार डबल क्रोशिया हमने कर लिए, इसके बाद हम चार चेन बनाएंगे। ये हो गए 1, 2, 3, 4। अब हम चार चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4। चार चेन बना के हम इसको उल्टा करेंगे और हम बिल्कुल इसमें शुरुआत में जो पहला डबल क्रोशे था ना उसमें धागा डालकर ये डबल क्रोशे करके एक सिंगल क्रोशे करेंगे। धागा डालकर और सिंगल क्रोशे करके एक चेन करके हमने मोड़ लिया। अब हमारे अब मोड़ लिया, अब हमने एक चेन बनानी है। देखिए ये लूप सा बन गया, एक चेन बना ली और अब इसी लूप में ये जो लूप हमारा बन रहा है इस लूप में हम डबल क्रोशे बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये रहा 7 डबल क्रोशे हम बनाएंगे। अब ये बनाने के बाद हम बिल्कुल यहीं से धागा आगे करके जो अगला डबल क्रोशे है वहाँ पर डबल क्रोशे बनाएंगे। एक और यानी कि चार डबल क्रोशे हमें अब बनाने हैं। चार चार डबल क्रोशे का ये डिज़ाइन है। 2 हो गए 3 4, चार डबल क्रोशे हो गए। फिर हम बनाएंगे चेन, चार चेन। अब देखिए हमें कहाँ पर लेना है धागे को, जो ये चौथा डबल क्रोशे था ना पहले वाले में, यहाँ होल में डालकर इसमें डालकर और तब हमें यहाँ पर सिंगल क्रोशे करना है। इसे हम मोड़ लेंगे, एक चेन बनाएंगे और ये हमारी जगह बन गई। तो यहाँ पर हम बनाएंगे 7 डबल क्रोशे बनाएंगे हम यहाँ पर। 1, 2, 3 हमें 7 डबल क्रोशे बनानी है। यहाँ पर 7 डबल क्रोशे बनाएंगे, 3 बना लिया हमने, ये है 4, 5, 6 और ये लास्ट 7 डबल क्रोशे बनाने के बाद नेक्स्ट डबल क्रोशे में भी हम डबल क्रोशे बनाएंगे। अब नेक्स्ट चार में हम डबल क्रोशे बनाएंगे, 1, 2, 3 और 4 चेन। सिंगल क्रोशे, टर्न, 1 चेन, 7 डबल क्रोशे। बिल्कुल इसी फॉर्मेट पे आपको ये बनाना है। तो ये बनाकर आप यहाँ तक लाएंगे, फिर इसे नीचे की तरफ ले जाएंगे। इस तरह से हम इसे बनाते चले जाएंगे, इस तरह से हम इसे बनाते। देखिए ये इस तरह लहर 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 सी आती चली जाएगी। और जो कि बहुत ही प्यारा डिज़ाइन और बहुत ही आसान डिज़ाइन बनेगा और हम इसे कंप्लीट करेंगे बिल्कुल यहाँ तक। देखिए ये कर लिया है मैंने कंप्लीट। इसमें गले में भी मैंने ये डोरी बना दी है और ये एक छोटा सा पफ स्टिच बनाकर यहाँ पर मैंने ये डोरी भी डाल दी और इस तरह से ये मेरी ड्रेस लड्डू गोपाल जी की ये प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर सी ड्रेस बिल्कुल तैयार है। तो आपको कैसी ये ड्रेस लगी आप मुझे कमेंट करके बताइए। इसी तरह से लहर वाला मैं राधा रानी का लहंगा भी बना, न्यू गाउन बना, वो भी मैं जल्द ही डालूंगी। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।